जैसे ही हम सब सुनते हैं सत्य और अहिंसा, तब हमारे मन मस्तिष्क में पहली छवि जिस व्यक्ति की होती है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्हें सभी लोग बापूजी के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए जो प्रयास किए, जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किए, उसको सभी भलीभांति जानते हैं। महात्मा गांधी जी के एक संकल्प ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया, जिसमें हमारे देश के अनेक वीर शहीद भी हुए, चाहे वो सरदार भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें। ये सब हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए शहीद हो गए, अपना बलिदान इन्होंने दे दिया। आप सभी ने एक विचार किया कि एक सशक्त राष्ट्र पूरे विश्व में भारत जाना जाए और भारत को इसके लिए सबसे पहले शिक्षित होना होगा। अतः सभी ने अपने शैक्षिक विचारों को व्यक्त किया। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचारों की। हम बड़ौदा योजना में देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो बात की है, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, साथ ही साथ जो शिक्षा हो वो कौशल प्रदान करने वाली हो, ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद जो बालक निकले विद्यालयों से तो वो बेरोजगार ना हो। मातृभाषा में शिक्षा यदि होगी तो बालक के अंदर रुचि होगी, बालक की उपस्थिति विद्यालय में बढ़ेगी, बालक के अंदर जो ज्ञान है, क्योंकि मातृभाषा में ज्यादा तेजी से सीख सकता है, तो ज्ञान। महात्मा गांधी का बहुआयामी योगदान रहा है। गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारधारा, उनके नैतिकता तथा स्वावलंबन संबंधी सिद्धांतों पर आधारित थी। हरिजन पत्रिका तथा बड़दा शिक्षा योजना में जो निहित उनके विचारों के माध्यम से इसे देखा भी जा सकता है। गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान कर उसे नैतिक बनने के लिए प्रेरित करे।